हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू नानिमा फिजम आई एम सी ए राज मेहता आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे दो मिनट में हम सी डी एस एल के एक डी पी से सी डी एस एल के दूसरे डी पी में विद इन टू मिनट्स हम हमारे शेयर्स या सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं सो लेट्स चेक इट आउट सो पहले हम लॉग इन करेंगे सी डी एस एल की ईजीएसट वेबसाइट uh, में हम um, हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो आ, ये मेरा अकाउंट इजीएस्ट के लिए रजिस्टर्ड है एज अ ट्रस्टेड यूज़र सो ये एक प्री रिक्विजिट है सो uh, so, ये हम कैसे करते हैं वो मैंने मेरी पहली वीडियो में बताया है सो प्लीज़ चेक इट आउट वो भी दो चार मिनट का ही वीडियो है प्लीज़ चेक इट आउट एंड एट द सेम टाइम हमें जो दूसरे अकाउंट में जो जो अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र करना है वो बी ओ आई डी को हमें आ, लिंक करना है वो भी हम कैसे करते वो भी वही वीडियो में मैंने आ, आपको बताया है वो भी दो मिनट का ही प्रोसेस है सो प्लीज़ चेक इट आउट डेट्स अ प्री रिक्विजिट ओके सो वंस दैट इज़ डन वील स्टार्ट विथ आवर ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन में जाके हम सेटअप पे क्लिक करेंगे नीचे हम बल्क सेटअप पे क्लिक करेंगे सो हम ट्रांजेक्शन सेटअप कर रहे हैं अभी सो सेल कर रहे हैं हम यहाँ पे सेटअप बी में जो अकाउंट से शेयर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो अकाउंट नंबर आएगा 16 डिजिट सो से फॉर एग्जांपल मैं मेरे अकाउंट से मेरे फ़ादर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर आएगा और सामने काउंटर बी में मेरे फादर का सिक्सटीन डिजिट अकाउंट नंबर आएगा फिर यहाँ पे हमें एक्जीक्यूशन डेट सेट करनी है जो आज की डेट रहेगी और एंटिटी आइडेंटिफायर में एन पे क्लिक करना है और कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है हमें फिर हम वो हमारी सिक्योरिटीज़ की डिटेल डालेंगे जो शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं वो सो so यहाँ ऐसे एफिल के मुझे पांच शेयर ट्रांसफ़र करने हैं तो वो आई को सिलेक्ट करके क्वांटिटी डालना है रीज़न फॉर ट्रेड गिफ्ट सो दे विल बी नो कंसिडरेशन और ओके okay पे क्लिक करना है ये होने के बाद हमें सबमिट पे क्लिक करना है सबमिट पे क्लिक करने पे ये मैसेज आ रहा है कि भाई प्लीज़ वेरीफाई सो हम उसको वेरीफाई करेंगे ये ट्रांजेक्शन को सो so, वेरीफाई करने के लिए वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को हमें सिलेक्ट करना है और कमिट पे क्लिक करना है ओके okay, फिर यहाँ पे आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक ओ आएगा वो डालना है और एक ये पिन नंबर डालना है ये पिन बेसिकली जब ही हमने ईजिएस्ट का अकाउंट क्रिएट किया था तभी हमें मेल पे आया था उसका ट्रांजेक्शन पिन सो so, हम देख सकते हैं कि हमारा ट्रांजेक्शन इज़ ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली अभी हमें ट्रांजेक्शन का स्टेटस देखना है तो हम ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे और ट्रांजेक्शन्स पे क्लिक करेंगे ओके फिर इजीएस पे क्लिक करेंगे आज का एग्जीक्यूशन डेट डालेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि देख सकते हैं हमारा स्टेटस हमें यहाँ पर मिलता है ट्रांजेक्शन रेडी फॉर डी पी ऑथराइजेशन फ्रेंड्स uh, ये होने के बाद फिर बैक uh, एंड में हमारा डी ये ट्रांजेक्शन को ऑथोराइज करेगा और देन आफ्टर आफ्टर कपल ऑफ आर्स यू विल गेट अ मेल फ्रॉम सी डी एस एल ई मेल और एस एम एस भी आता है और उसमें लिंक आता है वो लिंक पे क्लिक करके वो ट्रांजेक्शन को आपको ऑथोराइज़ करना है वो होने के बाद आपका आपके शेयर्स सक्सेसफुली दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है आ, और अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू तो माई चैनल नानीमा फिस्टम आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग